नमस्कार दोस्तों, मैं इस बैलंसरी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रभारी राज्य मंत्री ने दिया अधिकारियों निर्देश। बांदा जनपद के प्रभारी और कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोगों को दिए जाने पर उनसे अनुदान राशि वापस वसूलने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। एल कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की सूची सभी विधायकों को उपलब्ध कराएं ताकि विधायक अपात्र लोगों को चिन्हित कर सके। किसानों की मृत्यु होने पर अविवादित मामले में लेखपाल एक हफ्ते के अंदर विरासत दर्ज करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलाना पशुओं को पालने वाले किसानों को शासन से धनराशि देने को कहा। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। खराब है तो उसको ठीक कराने का प्रोसेस मोदी जी। वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम का पूरा पैसा जो शासन से आता है वो वहाँ के कर्मचारी खाए जा रहे हैं, वहाँ जातिगत भेदभाव किया जाता है। नहीं, अगर इस प्रकार की है गड़बड़ी तो आप शिकायत भेजिए, उसके विरुद्ध जांच सेटअप होकर दोषी के खिलाफ। नहीं, जांच आपके द्वारा ही कराई जा सकती है, हम लोग कहाँ से शिकायत देंगे। नहीं, शिकायत तो कोई करेगा कि हमारे साथ इस प्रकार की अनियमितता हो रही है। आपके जनप्रतिनिधि निरीक्षण कर लें, जनप्रतिनिधि करेंगे, जनप्रतिनिधियों को माननीय विधायक जी हमारे पास बैठे हैं, इनकी विधानसभा का होगा, ये भी जांच करेंगे, उनकी विधानसभा का जांच करके और जो भी अगर दोषी कोई पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अन्ना और गाय अभी तक दो साल नहीं पहुंची, बहुत से रास्ते जाम रहते हैं, अन्ना जानवरों के लिए देखिए दो बड़ी गौशालाएं यहाँ पर निर्मित हो रही है, उनका पैसा भी सैंक्शन हो। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।